अगर ये वीडियो आप स्टार्ट से एंड तक देख लेते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद गूगल डॉक्स में आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे गाइस, सचिन सक्सेना हेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल डॉक्स ऐप के फुल ट्यूटोरियल के बारे में। तो गूगल डॉक एक कमाल का एप्लीकेशन है। आपको पता होगा गूगल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना होता है और एडिट करना होता है, स्पेशली अगर आप अपने फ़ोन पर, तो उसके लिए आप गूगल डॉक्स ऐप का यूज़ कर सकते हो। और इससे आप अपने वेब पर, यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर ऑनलाइन वर्जन में या वेब वर्जन में यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे गूगल डॉक ऐप का यूज़ कर सकते हो। न सिर्फ मैं आपको यूज़ करना बल्कि आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा इस ऐप का, तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना तो बनता है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है देन अभी मत वॉच करो, बाद में वॉच करना, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखो, तभी आपको सब कुछ समझ से आएगा। और हाँ, इस वीडियो के बाद और भी गूगल ऐप पर वीडियो आने वाली है, लाइक गूगल शीट, गूगल फॉर्म और भी ऐप पर वीडियोज आएंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रख लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिले। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करो और नीचे जाइए और नीचे कमेंट में अपने सजेशंस आप लिख सकते हो। तो चलो भाई, बिना डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वेयर ऑन द स्क्रीन और ये रहा प्ले स्टोर पर गूगल डॉक्स एप्लीकेशन, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके फ़ोन में ऑलरेडी ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली गूगल डॉक्स को कर सकते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो गूगल डॉक्स को ओपन करते हैं या गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, तो गूगल डॉक्यूमेंट ओपन होते ही कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे गूगल ड्राइव पर वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक्ड यहाँ पर हो जाते हैं। तो जो भी कुछ, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव पर अपलोड होता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ गूगल ड्राइव पे कुछ अपलोड किए तो वो यहां पे शो हो रहे हैं। और बेस्ट पार्ट इसका यही है कि गूगल ड्राइव पर आप डालो और यहां से निकालो, तो ऐसा कोई सिस्टम आप समझ सकते हो। और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर देखेंगे, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट जो होता है जिसका एक्सटेंशन, जिस फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है या .docx होता है, ऐसे एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको यहां पर दिख जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इस ऐप के बारे में। उससे पहले अगर आप यहां 3-डॉट मेन्यू पर जाएंगे तो यहां पर कुछ ऑप्शन है और बाकी सारे ऑप्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस अपने प्रोफाइल पर टैप करना होगा और जितने भी आपके जीमेल अकाउंट होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको इसमें किस तरह से फाइल क्रिएट करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप टेम्पलेट को चूज़ करते हैं या फिर न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। पहले मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। इसमें पहले से प्रीडिफाइंड बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दबाजी में कोई भी रिज्यूमे बनाना है, कोई लेटर तैयार करना है और आपके पास टाइम नहीं है, आपको एक बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बनानी है और आपके पास टाइम नहीं है, देन आप इन टेम्पलेट्स पर जा सकते हो। आपका ये समय बचाएंगे और एक बहुत बेहतरीन आप यहाँ से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक लेटर तैयार करना, एक ब्राउचर तैयार करना है या फिर मुझे एक रिज्यूमे बनाना है, तो कुछ भी ऐसा कुछ करना हो तो जस्ट आप वन क्लिक में जा सकते हो इनके टेम्पलेट्स पर। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर देख सकते हैं आ चुका है। अब इस टेम्पलेट्स को मैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस 3-डॉट मेन्यू पर जाकर यहां पर प्रिंट लेआउट मोड में ओपन करना है ताकि आपको ये फुल स्क्रीन दिखे। तो कुछ इस तरह का ये टेम्पलेट है और यहां पर ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है यहां पर आप कोई भी एक फोटो अटैच कर सकते हैं बेसिकली। अब आपको क्या करना है, इसमें एडिट करना है, तो या तो आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक कर दें या फिर आप इसी 3-डॉट मेन्यू पर जाकर यहां पर सजेस्ट चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं सिंपली यहां पे प्लस आइकन पे क्लिक कर रहा हूं पेंसिल पर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब मुझे जो भी चेंजमेंट करना है वो मैं यहां से कर सकता हूं। सिंपली अगर मुझे एडिट करना है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ टाइप करना है, तो वो सब यहां पे करूंगा और कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन पहले आप टेम्पलेट समझ लीजिए कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनका यूज कर सकते हो। जस्ट आपको यहां पर हेडिंग चेंज करना है क्योंकि यहां पर सब कुछ पहले से बना है, फोटो लगानी है तो आप फोटो लगा सकते हैं, तो सब कुछ पहले से है, जस्ट आपको इनका यूज कर लेना है अगर आपके पास समय नहीं है। तो ये तो ही बात की किस तरह से आप टेम्पलेट्स लेते हैं, लेकिन अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट खुद से क्रिएट करना है तो आप न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने कुछ एक न्यू डॉक्यूमेंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं इनके बारे में। तो यहां से अभी तो आप फोन में लिखना चाहते हैं तो फोन के साइड में रखिए, अदरवाइज प्रिंट लेआउट करेंगे तो एक तरह से आपके छोटी स्क्रीन में आएगा, प्रिंट लेआउट व्यू में यहां पर खुल जाएगा, आपको स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मोबाइल वर्जन में दिखाना है तो यहां से इसको ऑफ कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर नीचे भी काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, ऊपर भी काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं और यहां पर भी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो वन बाय
वो इनको समझते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे थैंक यू लिखा है, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे मोटा दिखे तो मैं पहले तो या तो बोल्ड इनेबल कर लूँ और उसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा वो मुझे थोड़ा सा मोटा दिखेगा या बोल्ड दिखेगा, स्ट्रॉन्ग दिखेगा थोड़ा सा। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ऊपर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे। तो इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मोटा करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, या पहले मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब यहाँ पर अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बोल्ड या मोटा सा दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने पहले से जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको करना है तो आपको पहले तो अपने पुराने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और लॉन्ग प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं जितना एरिया आपको करना है। उसके बाद आपको सिंपली बी पे क्लिक करना है तो बोल्ड हो जाएगा, अगर आई पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, एंड यू पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जिसको भी क्लिक करेंगे वैसा टेक्स्ट हो जाएगा, मोटा तिरछा या अंडरलाइन। यहाँ पर देख सकते हैं आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर अभी तक देख रहे हैं कि अभी ब्लैक पेन से एक तरह से लिख रहा है, तो अगर आपका इसका पेन चेंज करना है लाइक मैंने रेड कलर को सिलेक्ट किया या ब्लू या जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप उसको सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया सब्सक्राइब, तो रेड कलर से काफ़ी कूल लग रहा है। एंड यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ से कहाँ लिखेगा, तो आप इसे सिंपली चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हुआ तो सेंटर में आ गया, ये राइट साइड आ गया, ये जस्टिफाइड मोड आ गया, तो अलग अलग यहाँ पर आपको मोड मिल जाते हैं। ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, बीचों बीच ये राइट में, और ये दोनों तरफ से इक्वल मोड में रहता है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में आपको ये बुलेट्स मिलते हैं, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सब्सक्राइब, देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए, बस आपको एंटर करते रहना और यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको पॉइंट्स चेंज करने हैं तो पहले तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इन्हीं को मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, और यहाँ पर 1 2 3 करता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 में आ जाएंगे। और यहाँ से आप इंडेंट लगा सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड आप खिसका सकते हैं कुछ इस तरह से अपने टेक्स्ट को। तो ये काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाते हैं फीचर्स, तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे की बात हो जाए तो ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आपको अंडू और रीडो मिल जाता है, तो अगर आप 1 स्टेप बैक जाना चाहते हैं तो आप अंडू कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे जैसे पीछे किया था वो सब वही हो रहा है जो मैंने पहले अपने चेंजमेंट किए थे। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से रीडो कर सकता हूँ, जैसा पहले होगा वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ फीचर किस तरह से काम करते हैं। जैसे सबसे पहले कि अगर मैं क्या करता हूं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोटा तिरछा अंडरलाइन करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं टेक्स्ट पर, बट यहां पर ये तीन ऑप्शन आपको कुछ और यूनिक दिख रहे हैं, जैसे कि सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, और यहां पर आपको स्ट्राइक थ्रू भी मिल जाता है। तो यहां पर 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं, ये तीन मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा यहां से स्टार्ट करते हैं, मैं यहां पर कोई एक टेक्स्ट लिख देता हूं फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जो ए बटन है ये फॉर्मेटिंग कहलाता है, फॉर्मेट कहलाता है, तो आपको जस्ट सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो भी आपने लिखा हुआ है। तो मैंने यहां पर इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर अपने इस ए बटन फॉर्मेट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैंने अब यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगी है। अब जैसे मैं इस स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बीच में इस तरह से कट आ गया, यानी कि ये स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट हो गया। मैं इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये किस तरह से काम करते हैं वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा H2 एंड X2, तो अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट की, तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे 2 को यहाँ पर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पर 2 को सेलेक्ट किया, यहाँ पर A पे गया, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ इसको नीचे रखना होता है, तो मैंने यहाँ पर सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर इसी तरह से मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर करना है, तो जस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने इस X2 को, यहाँ पर 2 को, और अगेन जाना है आपको ऊपर फॉर्मेट पे, एंड यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो नीचे है वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन चुका है, और वहाँ पर सुपर एम सब स्क्रिप्ट सब कुछ अप्लाई हो चुका है फॉर्मेटिंग में। तो इसी तरह से यहाँ पर स्टाइल में भी अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर हेडिंग वगैरह बना सकते हैं, आपको पहले से प्री डिफाइंड मिल जाते हैं नॉर्मल टेक्स्ट। तो अभी ये सब नॉर्मल है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने जो अपने नेम को सिलेक्ट करके रखा है, मैं इसको बनाता हूँ हेडिंग और सब हेडिंग्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं स्टाइल में जाता हूँ, जैसे मैं टाइटल करता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो रहा है, मोटा पतला आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल को ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर हेडिंग 1 को इसको ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा लगे। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, मतलब ये फॉन्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कूल से फॉन्ट्स मिल जाते हैं आपको, तो आप 1 बाय 1 करके डिफरेंट फॉन्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, एंड आई लाइक दिस वन। इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप साइज़ को छोटा कर सकते हैं। देख सकते हैं साइज़ में छोटा हो रहा है, यहाँ से साइज़ बढ़ा हो रहा है, मैं यहाँ पे 15 रख देता हूँ। टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहें तो आप टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेड ही ले लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा चमक रहा है। एंड हाईलाइट कलर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में अगर आपको कलर देना है तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी आप कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दिया है बैकग्राउंड में, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको कलर नहीं देना है तो आप नन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी कलर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको सारी फॉर्मेटिंग हटानी, यानी कि जैसा पहले था वैसा करना है, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे,
तो आप देख सकते हैं कि जैसा बिल्कुल पहले था, सारी स्टाइल और सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है, जैसा बिल्कुल पहले था बिल्कुल उस तरह से आ चुका है। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन हो चुके हैं। अब मैं आता हूँ पैराग्राफ पर। तो पैराग्राफ में सबसे पहले तो आप अलाइन कर सकते हैं, यानी कि जैसे पहले मैं यहाँ पे कई बार मैंने यहाँ पे अपने नेम लिख लिया है, मैं सबको सेलेक्ट ऑल करता हूँ, फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ से पैराग्राफ से चेंज करता हूँ। तो देखिए आपको अलाइन यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर जैसे कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इंडेंट खिसका सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे राइट साइड में जाना है या फिर लेफ्ट साइड में जहाँ पर जाना है, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आ गया। यहाँ पर आपको बुलेट्स मिल जाते हैं। तो मैंने अभी आपको जो कि बताए थे कि बुलेट्स अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ चाहिए, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग में यहाँ पर देखिए नंबरिंग मिल जाती है। अगर आपको बुलेट्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट स्टाइल में आपको ये देखिए कई सारे बुलेट्स मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट आपको लाइन में स्पेसिंग अगर चाहिए तो आप लाइन में स्पेसिंग भी दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इनके बीच का जो मेरे नेम लिखे हैं, इनके बीच की जो जगह है वो यहाँ पर कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल कम कर दिया है एक, और यहाँ पर जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके बीच की जगह जो है बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं इस प्लस बटन पर, तो यहाँ पर इस प्लस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है कि आप इस डॉक्यूमेंट पर क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं प्लस करता हूँ, अगर मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे कोई वीडियो का लिंक है या मुझे कोई वेबसाइट है तो मैं उसका लिंक यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट में क्लिक हेयर लिख लिया है और यहाँ पर लिंक में लिंक डाल दी है। अब जैसे ही कोई बंदा क्लिक हेयर पर क्लिक करेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो www.google.com पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिंक भी इंसर्ट करा सकते हैं। अगर यहाँ पर कॉमेंट की बात करें, इमेज की बात करें, तो ये सब भी आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है तो आप इस तरह से इस टेक्स्ट पर कुछ कॉमेंट लिख सकते हो। फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर याद रख सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे कोई कमेंट दिया है, तो वो इस तरह से यहाँ पे आप कमेंट वगैरह लिख सकते हो कि इस टेक्स्ट पर। अगर आपको यहाँ पर कोई इमेज ऐड करनी, कोई फोटो वोटो, तो आप वेब से भी ले सकते हो, कैमरे से या फोटो से भी आप यहाँ पे ले सकते हो। सिंपली आपको सेलेक्ट कर यहाँ पे देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से फोटो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे फोटो के लिए भी काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको अलाइन सेट कर लीजिए, यहाँ से इसको भी आप बुलेट्स वगैरह दे सकते हैं। इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके आप इस पर बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसके बॉर्डर का साइज़ बढ़ा सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, डैश चाहिए बॉर्डर में, डॉट डॉट चाहिए, कैसा आपको बॉर्डर चाहिए। फिलहाल मैं बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इमेज को बदल सकते हैं अगर ये इमेज आपको नहीं चाहिए तो। एंड इमेज की अगर बात की जाए तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट लेआउट पर आ जाते हो, तब आपको यहाँ पर इमेज को और अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको इसको घुमाना है या छोटा बड़ा करना है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मूविंग तो आपको एंटर के हिसाब से करना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ से प्रिंट लेआउट मोड को ओपन कर लीजिए ताकि आपको एक बेहतरीन तरीके से दिख पाए और आप उससे अच्छे से टेबल इंसर्ट कर पाओ। तो नेक्स्ट अगले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको टेबल मिलता है, तो आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कॉलम और रोज़ को मोड मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कितने कॉलम चाहिए या कितने रो चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, चार रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से तीन कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल इंसर्ट। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मुझे एक हेडिंग बनाना है नेम, नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लास। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो, और नीचे यहाँ पर नेम एम और पूरा यहाँ पे आप टेबल वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल को, कट कॉपी पेस्ट बाकी और बोल्ड इटैलिक, ये जो भी आपके बेसिक ऑप्शंस थे। अगर आपको कलर करना है तो आप यहाँ से देखिए बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, हाईलाइट कलर, अलाइनमेंट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे वही बेसिक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं टेबल के साथ में। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल अगर लाइन चाहिए तो आपको इस तरह से एक हॉरिजेंटल लाइन मिल जाएगी, तो आप हॉरिजेंटल लाइन भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेज ब्रेक करना है, पेज ब्रेक मीन्स कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक ही पेज है, एक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको एक से ज़्यादा पेज चाहिए, जस्ट आपको प्लस पे जाना है एंड यहाँ पर पेज ब्रेक कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पेजेस हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पेज ये रहा, ये जहाँ पर मैं हूँ इस समय, और एक ये ऊपर वाला पेज, तो यहाँ पर दो पेज हो गया। तो आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए तो आप जस्ट प्लस बटन पर क्लिक करके मल्टीपल पेजेस यहाँ पर ले सकते हैं। पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर पेज के नंबर चाहिए तो आप जैसे सेलेक्ट कर लोगे आपके पेज के नंबर वैसे ही स्क्रीन पर दिखेंगे। अलग अलग स्टाइल में आपको ऊपर दिखाने, इस तरह से दिखाने। नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है फुटनोट, तो आप जैसे ही फुटनोट पर क्लिक करेंगे वो क्या होगा, फुटनोट बेसिकली होता है कि आप पेज के नीचे कोई नोट वोट लिखना चाहते हैं, तो आप कोई भी नोट वोट अगर देना चाहते हैं अपने जो पेज के बिल्कुल नीचे, तो आप दे सकते हैं। जैसे आपने कोई टीवी एड वगैरह देखा होगा तो नीचे डिस्क्लेमर लिखा रहता है, या फिर कि मूवीज वगैरह में लिखा रहता है कि इस फिल्म में किसी स्मोकिंग किल्स या इस तरह से इसमें किसी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से आप कोई नोट वोट देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के एंड में, तो आप यहाँ पर फुट नोट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ये कमेंट्स का ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो प्रिंट लेआउट मोड आप काफ़ी सारे बार देख ही चुके हैं कि आपका यहाँ पर एक तरह से प्रिंट लेआउट मोड में दिखता है कि कैसा यहाँ पर आपका व्यू जैसा दिख रहा है वैसा सेम टू सेम प्रिंट होगा। या फिर आप ये बोलें कि आपका जूम कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सजेस्ट चेंजेस, अगर आपको कुछ चेंजमेंट करना है तो आप यहाँ से चेंजमेंट कर सकते हैं। यू आर सजेस्टिंग में
डॉक्यूमेंट ऑन आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपकी जो हेडिंग्स होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने सचिन लिखा हुआ है, इसको मैंने कर लिया है हेडिंग। जब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट आउटलाइन पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेडिंग शो हो रही है। बस बस केवल ये है कि एक तरह से हेडिंग के लिए आप यहाँ पे आउटलाइन दिखा सकते हैं कि इस मेन काम क्या है। जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपने कोई एप्लीकेशन लिखा तो हेडिंग बना सकते हैं एप्लीकेशन को, एंड जब भी कोई आउटलाइन पर क्लिक करेगा तो उसे दिख जाएगा कि ये एक एप्लीकेशन है। फाइंड एंड रिप्लेस में आपने कुछ लिखा और आपको वो ढूंढना है कहाँ लिखा आपने। जैसे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए मुझे इस पेज में ढूंढना है कि क्लास कहाँ पर लिखा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो जस्ट आप यहाँ पे जाएं, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं क्लास। तो जैसे आप क्लास सर्च करेंगे वैसे ही वो आपको ढूंढ के बता देगा कि भाई ये क्लास इस जगह पर लिखा रखा है। तो उसने देखिए हाईलाइट करके बता दिया। इस तरह से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस अगर आपको उसे हटाना है, उसकी जगह पे सही करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वर्ड काउंट में क्या है, बेसिकली वर्ड काउंट कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर, कितने स्पेसेस के साथ, बिना स्पेस के साथ, ये सब जितना भी यहाँ पर है वो आपको टोटल काउंट करके यहाँ पर बता देता है वर्ड काउंट। मिलता है शेयर एंड एक्सपोर्ट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी अपने फ्रेंड के पास ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो पहले तो आप लिंक शेयरिंग ऑन कर लें। अब इसका लिंक शेयर होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका लिंक जो भी कॉपी लिंक कर लूँगा और उसे मैं किसी को सेंड कर दूँगा तो वो पर्सन उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर मैं लिंक के थ्रू नहीं कराना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली किसी एक जीमेल को असाइन कर दूँ कि ये जीमेल आईडी वाले ओपन कर पाएँ। जब मैं लिंक शेयर करूँ तो शेयर पे जाके यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे ईमेल के लिंक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर ये देखिए आपको लिंक मिल जाता है। तो ये लिंक्स मैं जिसको शेयर करूँगा और यहाँ पर मैं ओनर रहूँगा, बाकी इसको रीड कर सकते हैं सारे जो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा नेम को। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ से भी इस प्लस बटन से भी कर सकते हो ऐड। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे एडवांस का मिल जाता है, तो बेसिकली आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो गूगल डॉक के साथ, लेकिन यहाँ पर तो एप्लीकेशन है फ़ोन के लिए तो ऐप ही इंस्टॉल होगा। आप इसे मूव कर सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे ड्राइव पर आपने कहीं सेव किया तो आप किसी दूसरे फोल्डर वोल्डर में सेव कर सकते हैं इसे उठाकर। नेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल ऑफलाइन, इसे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस पर स्टार लगा देते हैं बेसिकली तो ये स्टार आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टार शो हो रहा है, तो अगर आपको यहाँ पर थ्री डॉट मेन्यू पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से भी स्टार लगा या हटा सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाता है, तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस ऐप के इंटरफेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट बनाए होंगे वो यहाँ शो होंगे। आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। इस थ्री डॉट मेन्यू में वही सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लाइक कि आप लिंक शेयरिंग, मैंने आपको बताई दिया लिंक शेयर करने के लिए स्टार्टेड कर सकते हैं, जितने लोगों के साथ शेयर कराना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इसको वर्ड के एक्सटेंशन में डाउनलोड करना चाहते हैं .docx में, तो भी कर सकते हैं। इस फाइल को रीनेम करना चाहें यानी इसका नाम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसको जिस फोल्डर से उठा के किसी दूसरे फोल्डर में मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आप सिंपली प्रिंट बटन पर क्लिक करें और यहाँ से प्रिंटर आपको कनेक्ट करना होगा और ऐड टू होम स्क्रीन में इसका शॉर्टकट आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप डायरेक्टली इसे एडिट कर पाएंगे। और रिमूव से अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको रिमूव पर क्लिक करना है और ये डिलीट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको देखने हैं सारे अपने फोल्डर्स तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ये देखिए आपके चाहे गूगल ड्राइव से फोल्डर ओपन कर सकते हैं चाहे स्टोरेज से। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे देखिए मैंने गूगल ड्राइव पर स्टोर करे हुए हैं, तो बाकी सारी फाइलें ओपन नहीं हो पा रही, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं थ्री डॉट मेन्यू पे जाता हूँ तो यहाँ पे रिसेंट में वो आइटम शो हो रहे हैं जो अभी हाल ही में मैंने बनाए हैं। यहाँ पे शेयर्ड विद मी में मतलब कि जो मैंने लिंक शेयरिंग कराई थी ऐड करके, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही अगर किसी ने मेरे साथ कराया होता, मुझे ऐड किया होता किसी फाइल में, तो वो यहाँ पे फाइल शेयर होती, बट यहाँ पे किसी ने शेयर नहीं कराई है। स्टार्टेड में जो भी इंपॉर्टेंट मेल होंगे या आपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने इन पर स्टार लगाया होगा वो यहाँ पे शो होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको स्टार लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब इस पर स्टार लग चुका है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, स्टार्टेड पर जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्टार्टेड वाला पे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं ऑफलाइन फाइल पे जाऊं जिनको मैंने डाउनलोड करके रखा है तो वो ऑफलाइन से यहां पर शो होंगी, यानी बिना इंटरनेट के भी उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। जो फाइल मैं डिलीट करूंगा वो यहां पे आ जाएंगे, कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक यहां से डिलीट हो जाएंगी। नोटिफिकेशन में अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ आपको मिल जाएगा। बेसिकली आप चलते हैं सेटिंग्स पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए पूछ रहा है, आप जब भी फाइल क्रिएट करें तो क्या वो .docx फाइल बने गूगल डॉक फाइल की जगह, यानी कि एम एस वर्ड की फाइल बने। तो अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपकी जो भी फाइल क्रिएट होगी वो एम एस वर्ड में डायरेक्टली सपोर्टेबल होगी। ऑफलाइन में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो रिसेंट फाइल है वो ऑफलाइन हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए। नेक्स्ट डेटा यूसेज है, तो यहाँ पे आप सेट कर लें अपने अकॉर्डिंग कि अगर आपको वाईफाई के अलावा भी जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको डेटा का भी यूज़ होकर आपका फाइल अपलोड या अपडेट हो जाए तो आप इसे ऑफ रखें। लेकिन आप चाहते नहीं मुझे सिर्फ वाईफाई से करना है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। आपने जो भी डेटा बनाया उसका कैश यहाँ पे जनरेट हो जाता है, तो क्लियर कैश कर करके अपना थोड़ा सा आप गूगल डॉक का स्पेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने गूगल डॉक ऐप के फुल ट्यूटोरियल की बात की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सचिन सक्सेना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को जरूर देखें।